राम राम दोस्तों। और सुबह के बज रहे हैं 9:30, और इतना लेट होने के बाद भी देखिए आप कितना कोहरा है। अभी भी आसपास में आपको दिखाता हूँ, पूरे फार्म में कोहरा हो रहा है। अभी भी मैं थोड़ा लेट उठा हूँ आज, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठंड बहुत ज़्यादा है। देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए। और अपना जो डेली फार्म रूटीन है, बस सुबह यही रहता है। मैं तो थोड़ा लेट आया हूँ अभी वीडियो बनाने के लिए, वरना सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाते हैं सब लोग और कामों में लग जाते हैं। और अगर यही समर्स का टाइम होता तो 4 बजे उठ जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ इतनी ठंड है कि मेरे मुंह से आप देखिए जो वो निकल रही है भाप, और यहाँ आग भी जला रखी है, थोड़ी गर्मी बनी रहती है इससे। और मैं दिखा के लाता हूँ जो क्रॉप्स हैं इनके ऊपर कितना फॉग जमा हुआ है। ये देखिए आप लोग, कैसे इस पे माइन्यूट ड्रॉप्स एकदम जम गई हैं, और आगे अगर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और थोड़ी देर पहले ही यही लगभग इतना ज़्यादा था कोहरा कि आपको जिस ट्रैप के सामने कौन खड़ा है पता ही नहीं लग रहा था। और मैं थोड़ा आगे फील्ड्स में जाऊंगा तो मेरे साथ भी यही होगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या है। यहाँ थोड़ा कम हो जाता है, और सारे काम चल रहे हैं अभी। मिल्किंग कंप्लीट हो गई है और पानी भी पिला दिया है पशुओं को। अपनी सारी गायें अंदर बंधी हुई हैं, सबने चारा खा लिया है अपना। मोहिनी मोहिनी कभी आराम से खड़ी नहीं होती, आराम भागती रहती है इधर से उधर। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जैसे पेड़ों पे जो कोहरा जम जाता है वो भी फिलहाल नीचे टपक रहा है, लेकिन कैमरे में कैद नहीं हो पाता। मेरे मुंह से भी वो गर्माहट निकल रही है, तो धुआं लगता है कि धुआं निकल रहा है, और वो भी शायद आपको दिखाई नहीं दे पा रहा, बहुत ज़्यादा निकल रहा है। कल मैंने अपना वाटर टैंक पूरा साफ किया था और उसको पेंट भी किया था, तो देखते हैं अभी कैसा हो गया है। मैंने पेंट जो किया था वो जो कलई आती है उससे किया था। ये देखिए पूरा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ से भी इसका मुंह बंद कर दिया है, पूरा ऊपर तक भर जाया करेगा ये। और इसका फायदा ये है कि अब इसमें जो पानी है वो ज़्यादा टाइम तक साफ रहेगा, जल्दी जल्दी इसको साफ नहीं करना पड़ेगा। ये अपनी दोनों बच्चियाँ खा रही हैं हरा चारा, सूखा चारा, और इसमें थोड़ा बहुत आटा और बाजरा भी मिला दिया होगा पापा ने। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर छत पे, और देखते हैं ऊपर का क्या नज़ारा है। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा फॉग है। ये देखिए सब फॉग का हो रहा है।
पापा पानी भर रहे हैं। पापा किसको पानी पिला रहे हो, भैया को भैंसों को? गाय। ये गाय के लिए पानी भरा जा रहा है। देखो सुबह सुबह पानी इतना गर्म है कि इसमें से भी भाप निकल रही है पानी में से। ठंडी इतनी ज्यादा है बाहर की, क्या बोले। मुँह पिएगी पानी अब। अभी अपना वाटर टैंक खाली पड़ा हुआ है तो सब पशुओं को उनके पास जाके बाल्टी से पानी पिलाना पड़ता है। मेहनत काफी बढ़ जाती है इस चक्कर में, तो मैं भी हेल्प करा देता हूँ। ये कम्बू ने भी ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है और बाकियों का तो फिनिश हो गया है। ये देखिए गाइस, ये अपनी बिल्ली दूध पी रही है, फ्रेश एकदम गर्म गर्म दूध मिल गया है इसको। पी ले बेटा।